नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों आज 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है, अगर आपका बिजनेस ऑडिटेबल नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम सेलर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी होगी, और अगर अभी तक आपने नहीं किए तो आज मैं उसे कर दे। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो जैसे मार्केट प्लेस किसी भी ऑर्डर का पेमेंट देते हैं तो हमारे ऑर्डर के पेमेंट में से 1% जो TDS है वो डिडक्ट करते हैं, और मैंने आपको बताया है कि जो 1% TDS वो डिडक्ट करते हैं वो आप इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हो, वो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे दिख जाता है। देखिए वो 1% TCS भी काटते हैं, 1% TDS भी काटते हैं, तो TCS तो जो आप मंथली GST रिटर्न फाइल करते हो उस वक्त क्लेम कर सकते हो, लेकिन TDS ईयरली वन टाइम जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उस वक्त क्लेम कर सकते हो। मुझे पता है कि आप में से काफी सारे सेलर्स किसी अकाउंटेंट के थ्रू या किसी CA के थ्रू अपनी ITA रिटर्न फाइल कराते होंगे, लेकिन फ्रेंड्स बस मैं इतना चाहता हूं कि एज अ सेलर आपको यह पता होना चाहिए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से आपको जो TDS कटा है वो आप इनकम टैक्स पोर्टल से क्लेम कर सकते हो, और अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करने के बाद फॉर्म 26AS में उसे चेक कर सकते हो। वैसे तो आपके अकाउंटेंट ने या फिर CA ने आपको बता ही दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया है तो मैं आपको जो तरीका सजेस्ट कर रहा हूं आप उस तरीके से खुद से लॉगिन करके देखिए अपने इनकम टैक्स पोर्टल में, और लॉगिन करने के बाद चेक कीजिए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो से आपको TDS आया है या फिर नहीं आया। वैसे तो चांसेस है वहां पे आपको TDS रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं करता तो आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पर कंप्लेन डालनी होगी, आपको उनके सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करना होगा और बोलना पड़ेगा कि TDS रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बता देता हूं कि जो मार्केटप्लेस वाले हमारा TDS डिडक्ट करते हैं उसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे चेकआउट कर सकते हो, तो उसके लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों देखिए मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, अब इधर मैं सर्च करता हूं इनकम टैक्स लॉगिन। तो जैसे मैं इनकम टैक्स लॉगिन सर्च करता हूं इधर जो पहला लिंक है वो आ गया है ई पोर्टल, इनकम टैक्स ई पोर्टल का, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अभी इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो ओपन हो गया है। यहां पर मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूं और यहां पर मैं पासवर्ड डाल देता हूं और उसके बाद कंटिन्यू करता हूं। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए अभी इधर मेरा आ रहा है कि फाइल सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिटर्न जो है मेरी फाइल हो चुकी है। अब आपको जो TDS डिडक्ट हुआ है मार्केट प्लेस पर वो कैसे चेकआउट करना है इसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए इधर हेडिंग में आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप इधर ई फाइल में जाइए और ई फाइल में जाने के बाद जो पहला ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न उस पर जाइए, और उस पर जैसे ही आप अपना माउस कर्सर ले जाओगे यहां पर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है व्यू फॉर्म 26AS, आप इस पर जाइए। जैसे ही आप इस पे जाओगे ये विंडो जो है वो पॉपअप होगी, आपको इधर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हो, यहां पर आपको आई एग्री करके प्रोसीड करना है, और प्रोसीड करने के बाद देखिए इधर लिख रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS टू व्यू फॉर्म 26AS, तो इस पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, तो देखिए अभी आप जो सेलेक्ट करोगे वो 2022-2023 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 है, तो उसके लिए आपको जो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है वो 2022-2023 सेलेक्ट करना है, और इसे व्यू एज HTML कर दीजिए और व्यू ऑल डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पे व्यू ऑल डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे यहां पर आप ड्रैग करोगे तो जिन जिन पार्टी ने भी आपका TDS डिडक्ट किया होगा उन सभी की डिटेल्स आ जाएगी। तो इधर अब आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जो डिटेल है वो आ रही है, फिफ्थ नंबर पे फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड की जो डिटेल है वो आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने एंड पे भी चेक कीजिएगा कि आपको जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जिस भी मार्केट प्लेस पर आप सेल करते हो उन सभी की डिटेल आए, और इधर देखिए प्लस करके एक मार्क भी आ रहा है, आप जब इस पे क्लिक करोगे तो वो मंथ ऑन मंथ करके आपको दिखा देगा कि कौन से मंथ में कितना TDS जो है वो उन्होंने डिडक्ट किया है। तो इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आप इस TDS को क्लेम कर सकते हो, मतलब जितना भी आपको टैक्स पे करना होगा तो सबसे पहले अमाउंट इसी में से डिडक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा, और इन केस आपका टैक्स नहीं बनता है तो ये आपको TDS रिफंड के फॉर्मेट में वापस मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि किसी भी मार्केट प्लेस ने जो हमें TDS डिडक्ट किया है वो हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा।
अगर आप खुद से इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन नहीं करते हो तो आप एक बार अपने सीए के थ्रू या फिर अकाउंटेंट के थ्रू ये चेक जरूर करवा लीजिएगा कि आपको इन मार्केटप्लेसेस के थ्रू टीडीएस डिडक्टेड हो, यानी कि फॉर्म 26AS में वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, मैंने आपको मेथड बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी टीडीएस इन मार्केटप्लेसेस वालों ने डिडक्ट किया है उसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर फॉर्म 26AS में कैसे चेकआउट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है तो उसे ध्यान से जल्द कर लीजिएगा, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।